गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोरखपुर महोत्सव की सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि विभागवार लगने वाली प्रदर्शनी एवं अन्य प्रदर्शनी के स्टालों पर शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाए, मंच को पूरी तरह सुसज्जित किया जाए, महोत्सव में आने वालों के बैठने की व्यवस्था सुचारू ढंग से की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था रखा जाए। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। हेलो, कृषि प्रदर्शनी का एरिया और वो डेवलप हो गया है सर, 100% हो गया है। कृषि सरस पुस्तक में सरस का मिल गया, गवर्नमेंट शॉप्स का मिल गया, अभी कृषि का एक एक का मिल जाए तो हम पूरा हमारा जो ब्रांडिंग है वो ऐसे होगी। एक हमारे स्टॉल है उसमें दोनों तरफ गोरखपुर महोत्सव का लोगो होगा, बीच में केवल उसका नाम लिखा रहेगा। तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ क्लियर हो गया सर, हम कहाँ क्या करेंगे, विज्ञान प्रदर्शनी भी क्लियर हो गया, साइट का पूरा प्लान क्लियर हो गया और सभी को हमने साइट पर स्टॉल से अलॉट भी कर दिए। अभी भी हमारे पास कुछ बचे हैं, अगर कोई कहीं से आएंगे तो हम उसको जी सर। और हम लोग चाह भी रहे सर कि वो हम जो स्टॉल के ऊपर है, एक माननीय कृषि मंत्री है, माननीय पर्यटन मंत्री है और वन मंत्री भी आ रहे हैं। दूसरा है हमारी लाइटिंग, जैसे शाम को भी लाइट नहीं जल रही है, शाम को भी लाइट सर बिल्कुल डार्क है। तो उनके पास दो ही कार्य है सर, एक है साइट को ठीक कर देना, अपना गैंग लगा के आज रात में लगा दे या कल सुबह लगा दे, वैसे रात में लगाएंगे सर। तो एक एरिया उन्होंने हमारा ठीक किया जो कृषि वाला एरिया था, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां भ्रमण करना है, परंतु उसके लिए कल फिर दिन में आए हम दो तीन लोगों को लगा देंगे कि उनके पूरे रास्ते पर कहीं पर भी थोड़ा भी उबड़ खाबड़ ना रहे सर, थोड़ा भी ना रहे, भले वो उठा करके फिर से उसको ठीक करना हो या सैंड फिलिंग का कार्य करना हो। लेवलिंग का कार्य पीडब्ल्यूडी कर रही है, उन्हीं को हमने कहा सर, वही डिपार्टमेंट हमारे पास जो है रामगढ़ के अंदर वो हमारी है सर, लेकिन मेन रोड की लाइट नहीं जला रहे हैं सर, रामगढ़ तार की जो मेन रोड है वो नगर निगम का नहीं सर, पीडब्ल्यूडी की बताया गया सर हमने, नगर निगम की नहीं है जी सर। और फिर इसके बाद हम दो कंपार्टमेंट बना दे रहे हैं, पूरा पीछे तक एक कंपार्टमेंट हो जा रहा है सर, इस तरह का अरेंजमेंट है। जो अभी एक नया उसमें ऐड हुआ सर दिव्यांगजनों का, उसका हम जैसे सर मंच हो गए सर, तो सर की राइट हैंड साइड में जो हमारा एरिया है हम अभी वाइट पंडाल वहां पे लगा दे रहे हैं, उसमें हम दो रो या तीन रो 100 लोगों को वहां पे बैठा देंगे, तो वो जब लोग अपने उसी से बैठ जाएंगे उसी पे बैठे रहेंगे सर। उसका हमने ये किया है जब तक कार्यक्रम चलेगा वो मंच की तरफ मुंह किए रहेंगे और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उनकी गाड़ियां पीछे घूम जाएंगी। अब उसमें है कि माननीय उतर के वहाँ झंडी दिखाएंगे या ऊपर से झंडी दिखा देंगे सर, नीचे जाते वक्त उनसे दिखवा देंगे। तो ठीक है सर, हम ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि जाते वक्त लोगों को टोकन ले दिखा देंगे और रवाना हो जाएंगे। बाकी तो सब पे हम लिखा रहे हैं सर, तो स्टिकर बना ले उन लोग का जो गाड़ी में लगवा सकते हैं उस पे गोरखपुर महोत्सव लखनऊ भेज दिया आपने भेज नहीं गए सर, उसे डीसी अलार्म लगे उनको अवेलेबल करा दिए गए सर, 500 वो लेकर निकले हैं, कल अपने लोगों से उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे सर। कल ही आपने दिन है, कल देखने जी जी ठीक है। और इसके अलावा आपका सीटिंग का अरेंजमेंट देख लीजिए, सीजो साहब प्लस माइनस समापन और मतलब उसमें कुर्सियां भरी रहे, तो ये आपकी बात सर, टोटली हमारी 1200 के आसपास कुर्सियां रहेंगी, फ्रंट में 400 हैं, 1200 भी नहीं कभी कभी भर पाती हैं, वो भरा रहे हैं और जब मंत्रीगण उनको भरा रहे हैं ताकि तो ये हो गया सीटिंग में। ये देख लीजिएगा कि मान लीजिए आगे की दोनों रो भरी हुई है, चार कोई आ गया तो 10-12-25 कुर्सियाँ आपके पास अतिरिक्त है, आके लगा दी बस, तो डी से थोड़ा स्पेस रखेंगे तो फिर आप लोगों को लगा सकते।